नमस्कार, प्रत्येक न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं पटना से दीपक कुमार। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था और सुशील मोदी जो हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे ऑडियो को वायरल को शेयर किए थे और अचानक आज क्या हुआ, सुशील मोदी को ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिए। उसी को लेकर के भाई बिलेंदर ने काफ़ी आक्रोश जताया और भाई बिलेंदर ने कहा ये सब झूठी बात था, ये सब फ्रॉड बात ही था और ये जो है ये फ्रॉड आदमी लोग हैं, ये जो है राजनीतिक या मीडिया में बने रहने के लिए सुशील मोदी जो है कुछ ना कुछ लालू परिवार का ही बात करते रहते हैं ताकि मीडिया लोग चलाए और मीडिया में बने रहे, ऐसी बात बताए हैं। और वो अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दिए हैं ये आईडी से। और आइए पूरे मामले पर भाई बिलेंदर ने क्या कुछ कहा, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कर दिया गया है जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ था। ये ट्विटर तो चलाने वाले सुशील कुमार मोदी ही हैं और उन्होंने ही डिलीट किया है, कोई दूसरा डिलीट तो नहीं किया है। ये झूठी प्रचार थी और अब खबरों में बने रहने के लिए ये सब काम वो करते किए थे और इनका फितरत में ही है केवल सुर्खियों में बने रहने का और कुछ नहीं। कहीं डर के तो नहीं किया उन्होंने कि झूठ पकड़ा जाएगा? वो झूठ तो पकड़ा ही गया है ना। और सुशील कुमार मोदी जी केवल इसी के लिए जाने जाते हैं, उनके फितरत में ही है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का नाम लेकर राजनीति करना, बिहार के विकास के लिए कोई राजनीति नहीं करना और न विधानसभा का सदस्य चुन कराना, पिछली दरवाजे से आकर यही लटर पटर बात करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भाई, एक बड़ा सवाल निकल के ये आ रहा है कि अभी तक जो है ना तो तेजस्वी यादव ने इस पर कोई सफाई दी है ना लालू परिवार। जब लालू प्रसाद यादव ने जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी बने आरजेडी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बोल रहा है तो आरजेडी बोल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उनके पुत्र नेता विरोधी दल बोले या उन वो अपने कुछ बोले या उनका कोई परिवार बोले। हम सभी परिवार के लोग हैं और मुख्य प्रवक्ता के रूप में हम आपके बीच में हैं और बोल रहे हैं। वैसे तो तेजस्वी यादव काफ़ी बोलते हैं, ट्वीट भी करते हैं, इसके अलावा वो अपनी वीडियो भी भेजते हैं, पत्रकारों से शेयर करते हैं, लेकिन इस वक्त तो दूरी बना रहे हैं। जब बता दिया कि भाई वीरेंद्र मुख्य प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा है तो किसी की जरूरत नहीं है बोलने की। मांग करेंगे जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हुआ, एकदम सब लोग जानता है। क्या आप केस करेंगे मोदी पे? अब ये तो तय करेगी पार्टी, ये पार्टी तय करेगी और इस पर राय विचार हो रहा है। और दूसरी बात है, उन्होंने किसी से माफ़ी भी मांग लिया है, शायद फ़ोन करके माफ़ी भी मांगा है। मतलब अब नेता से, हमारे पार्टी के नेताओं से माफ़ी मांगने का काम किया है। माफ़ी सुशील कुमार मोदी ने मांगी है? अरे वो तो हमेशा माफ़ी मांगने का काम करते हैं। कल आप लोग पूछ रहे थे कि लालू यादव के यहाँ फ़ोन करके ये पूछे, इनकी हिम्मत है, हैसियत है लालू यादव से फ़ोन करके बात करने का? वो फ़ोन रखते हैं क्या? आदरणीय लालू प्रसाद यादव की फ़ोन करके बात करने चले गए थे? झूठा बोलने का फितरत में उन्होंने लिखा हुआ है और केवल झूठ बोलना ही उनकी ज़िंदगी का काम। आज अभिभाषण में क्या था? अभिभाषण में क्या था? देखिए, अभिभाषण झूठ का पुलिंदा था और सरकार जो लिख कर देती है वो सरकार राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को पढ़ना पड़ता है। वो झूठ का पुलिंदा था, जो सरकार काम सर जमीन पर नहीं कर सकी वो भी उसमें चर्चा था। न सात निश्चय का चर्चा था कि लूट कितना हुआ, न जल जीवन हरियाली का चर्चा था उसमें कितना घपला हुआ है, और बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई चर्चा नहीं हुआ कि हम 19 लाख जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे थे उसमें कोई उल्लेख नहीं था। और हम लोगों ने इस बात को कल उठाएंगे, इस मामले को राज्यपाल के अभिभाषण पर कल बात भी। जल ही जीवन है और इस जल के लिए आपका हमारा हम सभी का साथी विप्रा पंप्स, बिजली की कम खपत के साथ लो मेंटेनेंस और चले सालों साल। विप्रा पंप्स, बूंद बूंद में जीवन।